नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो लोकसभा चुनाव में मरून, लाल और काले रंग की एक डायरी चर्चा का सबब बनी हुई है। अब चुनावी राजनीति में इससे पहले भी इस तरह की डायरियां न सिर्फ चर्चा का विषय बनी थी बल्कि कहा तो यह भी जाता है कि इसी तरह की डायरी के कुछ पन्नों ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। तो चुनावी राजनीति में इस तरह की डायरियां वोटरों को अपनी ओर खींचती भी रही। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार राहुल गांधी भी एक डायरी लहराते दिखाई दे रहे हैं। चुनाव 2024, ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में तो है, मगर पहली बार किसी राजनीतिक दल ने देश को बताया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ये जो संविधान है, इसी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को, किसानों को, मजदूरों को जो भी दिया है, इसने दिया है। तो सुना आपने, राहुल गांधी किस कदर गुस्सा निकाल रहे हैं? महसूस किया आपने कि असल में राहुल कहना क्या चाहते हैं? देखा आपने राहुल गांधी हाथ में लहरा क्या रहे हैं? दरअसल पिछले करीब 15 दिन से कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी हर जनसभा में ये एक डायरी लहराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये डायरी नहीं, ये है संविधान की प्रति, जिसे हाथों में लिए राहुल आक्रामक रुख अपनाए हुए। वो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी अगर इस बार भी सत्ता में आ गई तो वो संविधान बदल देगी, संविधान फाड़ कर फेंक देगी। राहुल अपनी हर चुनावी सभा में इस डायरी को हिला हिला कर वोटरों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यही डायरी आपकी और देश दोनों की रक्षा करेगी, यही डायरी देश के लोगों को समृद्ध बनाएगी। मोदी जी कहते हैं मैं कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। जब आप सीबीआई और ईडी को राजनीति और लोकतंत्र पर, जब आप सीबीआई और ईडी को लेकर राजनीति और लोकतंत्र पर आक्रमण करते हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हो। जब आप सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस में आरएसएस के लोग भर रहे हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पे आक्रमण कर रहे हो। तो चुनावी राजनीति से इस तरह की डायरियों का एक पुराना रिश्ता रहा है। इन डायरियों की कहानियां तो कई हैं, लेकिन सबसे पहले अभी हाल ही में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में लहराई जाने वाली लाल डायरी की ही बात कर लेते हैं। तो राजस्थान विधानसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान की कई रैलियों में लाल डायरी का जिक्र करते नजर आए। प्रधानमंत्री अक्सर कहते रहे कि लाल डायरी में कांग्रेस की लूट की कहानी दर्ज है, और शायद ये लाल डायरी का जिन ही रहा होगा जिसने राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत को मात देते हुए बीजेपी को सत्ता हासिल करने में मदद की। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार, और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। तो डायरी का जिक्र कर करके बीजेपी तो सत्ता में आ गई, लेकिन लाल डायरी का राज कभी खुल नहीं पाया और अब उम्मीद भी कमी है। अब बात पीले पड़ चुके इतिहास के कुछ पन्नों की करते हैं। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में सरकार पर बोफोर्स तोप घोटाले के आरोप लगे। उस दौरान 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का मुकाबला जनता दल से था। तो चुनाव से पहले बोफोर्स घोटाले को लेकर स्वीडिश रेडियो ने खबर चलाई।
बोफोर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर मार्टिन आर्डोबो की डायरी में एंट्री के आधार पर स्वीडिश रेडियो ने डायरी के हवाले से कहा कि किस तरह बोफोर्स तोप के लिए भारतीय नेताओं और अधिकारियों को करोड़ों रुपए रिश्वत दिए गए। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। वीपी सिंह ने 1989 के लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को दमखम के साथ उछाला। वीपी सिंह हर जनसभा हर रैली में आर्डोबो की डायरी का जिक्र जरूर करते और हाथ में लेकर उसके कुछ पन्ने लहराते। रैलियों में वीपी सिंह कहते थे कि डायरी के इन पन्नों में उन सभी लोगों के नाम हैं जिन्होंने बोफोर्स तोप खरीद में रिश्वत खाई। डायरी के इन पन्नों का असर यह हुआ कि कांग्रेस को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और साथ ही सत्ता गंवानी पड़ी। वीपी सिंह अगले प्रधानमंत्री बने। तो इसी तरह एक समय बीजेपी का प्रमुख चेहरा रहे लाल कृष्ण आडवाणी को भी एक डायरी की वजह से संसद की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ गया। दरअसल सीबीआई ने 1991 में भिलाई इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुरेंद्र कुमार जैन के फार्म हाउस पर छापेमारी की थी, जिसमें दो डायरियां बरामद हुई। इनमें कोड वर्ड में कई नेताओं के नाम दर्ज थे। इन नेताओं को रिश्वत देने की बात की गई। आडवाणी का नाम भी उछला, जिसके बाद आडवाणी ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि कोर्ट ने आडवाणी को 1997 में बरी कर दिया। वहीं इसी हवाला कांड से जुड़ी डायरी के फेर में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के कुछ मंत्रियों को भी अपना इस्तीफा देना पड़ा। अब साल 2024 में राहुल गांधी हाथों में डायरी नुमा संविधान लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। राहुल के चेहरे का कॉन्फिडेंस भी साफ झलक रहा है कि वो भी संविधान के प्रति लहराते लहराते इस बार जनता के दिमाग से होते हुए उनके दिलों में उतर जाएंगे। अब राहुल का कॉन्फिडेंस कितना पक्का है, क्या रंग दिखाता है, ये भी बस 4 जून को साफ हो ही जाएगा। तो इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए श्रेष्ठ भारत के साथ। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।